अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक कंट्री नंबर 72 जॉर्डन से। हम लोग अभी रियल टूरिस्ट लग रहे हैं, आप देख सकते हो हमने ये हेड जो है परमानेंटली अब ले लिए है। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि हम मिस्र इजिप्ट से यहाँ जॉर्डन कैसे आए, रूम कैसे मिला, एयरपोर्ट पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अभी इस वक्त जो है हमारा पहला दिन है और हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अम्मान, जो सिटी है और जॉर्डन का कैपिटल है, और बहुत खूबसूरत सिटी है, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। देखिए एक्सप्लोर करेंगे यूनिक अगले दो दिनों में इंशाल्लाह, अगले दो दिनों में, क्योंकि जॉर्डन के अंदर बहुत सारे अट्रैक्शन है, पित्रा है, वादी रम है और बहुत सारे और चीज़ें हैं जिसको हमने एक्सप्लोर करना है और आपको दिखाना है। लेकिन आज हमारा पहला दिन है तो हम रेंडमली निकले हुए, सबसे पहले फूड ढूँढ रहे हैं और उसके बाद आपको ये ओल्ड सिटी दिखाते हैं। आप देख सकते हो इतना हल्ला गुल्ला और रश है यहाँ पे। ये मेन स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा होटल है। पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, मई का महीना है, मौसम फिर भी नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल अच्छा मौसम है, हमें पसंद आ रहा है। यार ये हम अमान में ना जॉर्डन की गलियों में घूम रहे हैं, खूबसूरत बाजार है, साफ सुथरे पीसफुल माहौल है, बहुत सारे टूरिस्ट है और ये मार्केट सी मार्केट से जो कुछ भी चाहिए ना तो मिल जाता है, मार्केट सी मार्केट। स्पेशली इनके ड्रेसेस वगैरह की बहुत ज़्यादा शॉप्स है, मेरे ख्याल से ये इनके लोकल ड्रेसेस है या क्या है। मिडिल ईस्ट के अंदर एक यूनिक सिटी, यूनिक शहर, बिल्कुल यूनिक, टोटली डिफरेंट, इजिप्ट से भी डिफरेंट, ट्यूनिशिया से भी डिफरेंट, मोरक्को से भी डिफरेंट और दुबई वगैरह से तो वैसे ही डिफरेंट है। हम लोग इस वक्त तलाश में हैं रेस्टोरेंट के और कुछ टूरिस्ट एजेंसीज के, जहां से हम लोग मालूम कर सके कि हम लोग पैलेस्टाइन जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और उसके साथ हमें फूड के लिए एक स्पेशल रेस्टोरेंट ढूँढना है जो ज़ीशान भाई का फेवरेट है। यार जॉर्डन के बारे में तो हमने भी सुना है लेकिन ज़ीशान भाई ने बहुत तारीफ़ की है फूड के हवाले से, तो देखते हैं कि कैसा फूड है। वो शवारमे तो हर जगह ही नज़र आते हैं, शवारमे और यहाँ पे कबाब भी नज़र आ रहा है। ये एक मशहूर रेस्टोरेंट है शेरजाद के नाम से यहाँ पे अमान के अंदर, तो हम इधर आए हैं कान्या खाने के लिए। लेट्स सी व्हाट दे सर्व। हेलो, भाई जॉर्डन पहुँचते ही ना हैवी सीन लोगे हैं, ये आप देख सकते हो। ये तकरीबन एक किलो वो है बारबेक्यू है, मिक्स ग्रिल है, तो ये हमने मंगाया है। इजिप्ट में तो ये सहूलत अवेलेबल नहीं थी, राइट, और लेकिन महंगा भी बहुत है ये, तकरीबन पाकिस्तानी अगर लगा लो तो 6-7 हज़ार रुपये बन जाते हैं, वैसे यहाँ के सिर्फ 16 रुपये। शेरजाद रेस्टोरेंट है और इसके साथ अबू ज़गला रेस्टोरेंट भी है, तो ये दोनों मशहूर हैं। हमने कहा यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं कि क्या है, लेकिन वाइब्स अच्छी लग रही है।
अमान आते हुए ना, यहाँ जॉर्डन में आते हुए पहले घंटे में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता चली है ना, आप भी हैरान हो जाएंगे। पहली चीज़ ये कि हमने होटल वाले से कहा कि यार हमें इसराइल जाना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, हम जा सकते हैं या नहीं। तो उसने कहा कि पहली बात तो ये है कि इसराइल नहीं, फलस्तीन है वो। उसने बोला गलती से भी दोबारा किसी को मत बताना यहाँ पे, उर्दन के अंदर रहते हुए इसराइल का नाम भी मत लेना, सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन बताना। तो एक तो ये चीज़ पता चली है। फिर हमने लोगों से भी पूछ रहे, क्योंकि हम यहाँ पे आए हुए ना तो बहुत करीब है इसराइल और फलस्तीन, आप ये कह लो कि एक घंटे के बाद जो है इसराइल भी है और फलस्तीन भी, हम जा सकते हैं अगर हम जाना चाहें तो, क्योंकि मैप में आप देख लो बहुत ही करीब हम आ चुके हैं। लेकिन जो मैंने वीडियोज़ देखी है ना, उसमें यही लगता है कि तकरीबन सिमिलर है ये जगह भी। जो ये उर्दन आपने देख लिया ना, समझो आपने फलस्तीन और इसराइल दोनों देख लिए, ये भी उस तरह अच्छा खासा डेवलप्ड है। उसके अलावा ये कि जो करेंसी एक्सचेंज है, वो जो रेट एयरपोर्ट पे मिलता था वही रेट यहाँ पे भी मिला है हमें, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी है कि अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं और भी ना, तो टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। अच्छा, अभी लाइट ऑन हो गई है, शाम का टाइम है, और शाम के अंदर जो है अमान सिटी और भी खूबसूरत हो गया है। आप देख सकते हो ये ऊपर चांद और स्टार्स की लाइटिंग इन्होंने किस तरह ज़बरदस्त तरीके से सजाई हुई है। शाम को यहाँ पे और भी रश बढ़ जाता है, तो हम बहुत सारे लोकेशंस को विज़िट कर सकते हैं बाय वॉक यहाँ पे अमान सिटी के अंदर, आप देख सकते हो। और काफ़ी जो है क्राउड आपको यहाँ पे नज़र आएगा शाम के टाइम, आप देख सकते हो। और एक खूबसूरत व्यू है रात के टाइम, शाम के टाइम लोकल क्राउड भी नज़र आ रहा है और टूरिस्ट भी आ रहे हैं। यार वो कौन सा था, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो गलाम का बाजार नहीं है, उस तरह का ये चौक मुझे लग रहा है। नईम भाई कह रहे हैं कि यार ये शहर जो है ना सवात के कलाम की तरह लगता है। अब आप लोग बताएं थोड़ा बहुत, अब आप लोग बताएं कि ये वाकई ऐसा ही है या कितने परसेंट लगता है उस जैसा। आपके कमेंट्स हम वेट करेंगे। आपके ख्याल में ये कौन से शहर से रिजेंबल करता है, कोई जहन में है? यूनिक है ये, यूनिक है ऐसा। एक बात है यार, यहाँ के लोग भी डिफरेंट है, खूबसूरत है, काफ़ी अंग्रेज़ों की तरह लगते हैं यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है। ये शहर मोस्टली ना तुर्की की तरह फील दे रहा है, जैसे आप तुर्क स्ट्रीट्स में घूम रहे हो, और इस तरह की शॉप्स और ये सुवेनियर्स आपको जैसे तुर्की में मिलती है उसी तरह यहाँ भी मिल रही है। ये आप देख सकते हो, ये उर्दन का झंडा है, ठीक है। ये ऊपर बड़े झंडे लगे हुए और नीचे छोटे झंडे लगे हुए हैं। इनका झंडा भी बिल्कुल फलस्तीन की तरह है, क्योंकि ये लोग ख़ुद को फलस्तीनी कहते हैं बेसिकली। ये झंडे आपको यहाँ पे अमान सिटी में जगह जगह नज़र आएंगे। और ये लोग जो है ये लगते भी फलस्तीनियों की तरह है, और ख़ुद को ये फलस्तीनी कहते हैं। इनकी ये लिबास औरतों के आप देख सकते हो,